नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हालचाल के हमारे इस खास शो में, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर। जी हां, ओमिक्रॉन को लेकर लोगों के बीच एक बार फिर तरह तरह के सवाल तैर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के भी अपने सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हम बात कर रहे हैं प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी से। सिंहदेव जी, सबसे पहले यही सवाल है कि छत्तीसगढ़ में खड़े होकर ओमिक्रॉन को लेकर हम कितने सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, इस बारे में छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग का आकलन क्या है? प्राकृतिक स्वरूप है, और जैसे जैसे वायरस में बदलाव आता है, म्यूटेशन आता है, वैसे वैज्ञानिकों की और जानकार लोगों की चिंता बढ़ती है कि कोई नया घातक स्वरूप तो नहीं, ज्यादा बीमारी फैलाने वाला, पहुंचाने वाला, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला तो ये वायरस का नया स्वरूप नहीं हो जाएगा। और वही अभी ये ओमिक्रॉन के साथ हो रहा है। इसके पहले जब सार्स कोविड चालू हुआ था, चीन से चालू हुआ था, हमने वेरिएशन उसके बारे में सुने कि यहां से गया, चाइना से दुनिया में गया, फिर ब्राजीलियन वेरिएंट की बात आई, फिर ब्रिटिश वेरिएंट की बात आई, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की बात आई, फिर हमारे देश में भी एक वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के नाम से जो है वो यहाँ पहले पाया गया। आज 99% दुनिया के केसेस हैं उसको डेल्टा वेरिएंट भापा जा रहा, आका जा रहा है। तो इतना वो फैल गया जो हमारे यहाँ पहले प्रकट हुआ था कि पूरी दुनिया में 99% कोरोना के केसेस डेल्टा के हो गए। अब साउथ अफ्रीका में जो वेरिएशन आया है, इसको जेनोम में कह रहे हैं कि 50 म्यूटेशन वायरस में देखे गए हैं, एक साथ क्लस्टर में 50 परिवर्तन है। और स्पाइक प्रोटीन है जो हम चित्र देखते हैं वायरस का, कि गोल है वायरस और उसमें से वो स्पाइक्स निकले हुए हैं, तो स्पाइक प्रोटीन में 30 वेरिएशन पाए गए हैं। तो इससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई वैश्विक स्तर पे कि इतने परिवर्तन में कोई घातक तो नहीं हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि इसके फैलने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन अभी तक साउथ अफ्रीका में जितने लक्षण देखे गए हैं कोई ज्यादा घातक नहीं है, वरना अभी तक तो हाहाकार मच गया होता। साउथ अफ्रीका में ये प्रकट हुआ, वहां फैल रहा है 70% 80% केस अब जो आ रहे हैं, बता रहे हैं वहां ओमिक्रॉन के हैं। पहले एक देश में पहुंचा, दो देश में पहुंचा, अब 30 देश में, 40 देश में, दुनिया के 50 देश में ओमिक्रॉन की उपस्थिति हो गई है। लेकिन कहीं से ये बात नहीं आई है कि बहुत ज्यादा बीमार उससे लोग हो रहे हैं या मृत्यु ज्यादा हो रही है, इसलिए चिंता कम है। लेकिन हर परिवर्तन के एक नयापन आ जाता है कि अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा। और बड़ी चिंता की वैक्सीन जो हमने अभी तक आविष्कृत की है, उस वैक्सीन का प्रभाव इस वेरिएशन वेरिएंट के ऊपर रहेगा कि नहीं, तो ये वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैंने बताया कि हम लोग को जानकारी मिलती है कि वायरस परिवर्तित होता है, तो अन्य वायरस, इन्फ्लुएंजा का वायरस, वो हर 2 साल उसकी वैक्सीन भी बदली जाती है, करीब करीब 1 साल 2 साल में उसमें वेरिएशन आता है। तो यहाँ आपके जो वैक्सीनेशन है उसको भी परिवर्तित कर दिया जाता है। तो विज्ञान के दायरे में है, वैज्ञानिकों के नियंत्रण में है। कोरोना नया है, तो कोरोना के बारे में शोध चल रहा है, जानकारियां हासिल की जा रही हैं। अभी बहुत घबराने की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्क निश्चित रूप से रहना चाहिए। तो ये दहशत ज्यादा लगती है, ऐसा जो अंदाज लग रहा है अभी तक जो खबरें आ रही हैं भारत के बाहर से भी या देश में से भी, तो उससे ये लगता है कि दहशत या इसको लेकर पैनिक ज्यादा हो रहा है, लेकिन वैसी स्थिति है नहीं। पैनिक इसलिए होता है कि आप जानते नहीं उसके बारे में। तो जो अनजान है उसमें पता नहीं क्या है, क्या खतरा छुपा हुआ है, क्या है पहला सवाल, क्या खतरा छुपा हुआ है दूसरा सवाल, कितना घातक होगा तीसरा सवाल, मालूम नहीं है, इसलिए चिंता ज्यादा। हम अंधेरे कमरे में है, ना जाने अंधेरे कमरे में क्या, कहां हम टकरा जाएंगे, क्या ठोकर लग जाएगी, तो वैसे ही बात है, क्योंकि हम जानते नहीं है इसलिए चिंता ज्यादा है। पर इस चिंता का सकारात्मक स्वरूप हमको अख्तियार करना चाहिए कि सतर्क रहें, सबसे पहले तो हमारे तक वो वायरस पहुंच ना पाए। जी जी,
तो इसको लेके अभी तो केवल एक अनुसंधान ही चल रहा है कि इसमें कितना असर पड़ेगा। फिर भी उससे दोनों तरह की पहलू हैं कि ये आने वाले समय में क्या स्वरूप लेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। फिर भी एहतियात के तौर पर छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग किस तरह की तैयारी करके रख रहा है ताकि ऐसी स्थिति कुछ बने तो हम मुकाबला कर सकें? पहला, इसके लिए कोई दवाई नहीं है जी। हम कोई दवाई खरीद के नहीं रख सकते, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिन दवाइयों की या वस्तुओं की आवश्यकता है वो हमारे पास होना चाहिए। अभी आज ही मीटिंग एक हुई, कल मीटिंग हुई थी और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ हमारे अधिकारी बैठे थे, पहले मंत्री जी आने वाले थे वो नहीं आ पाए, तो उन परिस्थितियों में अधिकारियों के बीच में बैठक हुई तो हमने देखा कि 2-3 दवाइयां हैं जिसके संदर्भ में हमको सप्लाई उसकी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, उसी दिशा में तैयारी। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्सीजन सप्लाई कैसा है, बिस्तर कैसे हैं, तो पहले दौर से ज्यादा, दूसरे दौर से बेहतर हमारी स्थिति है। दूसरे दौर में बहुत ज्यादा हमको मार पड़ी थी, देश भर में मार पड़ी थी कोरोना की, तो उससे हम अपने आप को बेहतर स्थिति में पा रहे हैं। लेकिन कभी भी निश्चिंत होके बैठना उससे बड़ी भूल नहीं हो सकती। आप कितनी भी तैयारी करें ये मान के चलना चाहिए कि और स्थिति अगर बिगड़ी तो हमारे पास क्या बैकअप रहेगा। तो ऑक्सीजन हमारे पास, प्लांट्स हमारे पास बहुत ज्यादा पहले आ गए हैं, पहले जीरो थे। ऑक्सीजन टैंक्स हमारे पास सीमित थे, अभी 9 और लग रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास नहीं थे, अब हजारों की संख्या में। सिलेंडर हमारे पास कम थे, अभी हजारों की संख्या में सिलेंडर है। पर ये हजारों की संख्या कम ना पड़ जाए इस दिशा में सोच को खुला रखना चाहिए और जितना हमने किया है उससे तैयारी रखनी चाहिए और लोगों को लगातार आगाह करना चाहिए कि अपनी सतर्कता को छोड़े ना। बाहर जा रहे हैं बच के रहिए, मास्क, डबल मास्क पहन लीजिए अगर ज्यादा भीड़ भाड़ की जगह में है। हाथ धोने की जो पुरानी बातें हैं इनको शत प्रतिशत अपनाइए, इनको छोड़ने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और सरकार अपने तरफ से ये सारी बातें कर सकती है, सतर्क करना, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग करना, उनको क्वारंटीन में रखना, होम क्वारंटीन में रखना, चिन्हांकित करके प्रशासन के अधिकारी वहां जा रहे हैं कि वो स्वतंत्र घूमे ना। 7 दिन का क्वारंटीन है, 8वें दिन आरटीपीसीआर टेस्ट आपको दोबारा करना है। आप देश में आए होंगे भले आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आए, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद 8वें दिन फिर आरटीपीसीआर टेस्ट करना। और ये आरटीपीसीआर टेस्ट के सैंपल अगर आप पॉजिटिव आए तो जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना कि कहीं नया वेरिएंट तो नहीं आ गया। तो ये सारी तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, नागरिकों को सतर्क करने की भी, और साथ साथ अनुसंधान की दिशा में आगे लगातार सतर्क होके बढ़ने की। जी, तो जैसा दूसरी लहर के दौरान हम लोगों के सामने जो एक स्थिति पैदा हुई थी उससे सबक लेकर भी हमने बहुत कुछ इस बार ज्यादा तैयारी को बेहतर करने की कोशिश की है। जी निश्चित रूप से, क्योंकि पहली लहर में स्थिति अलग थी जी। हमारे पास आइसोलेशन की हम व्यवस्था कर रहे थे, बिस्तरों की हम व्यवस्था कर रहे थे जी। और कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते थे जी। तो उनको हम किसी न किसी सरकारी क्वारंटीन में रखते थे जी। बाद में होम आइसोलेशन चालू हो गया जी। होम आइसोलेशन चालू होने पर 90% से ज्यादा मरीज तो घर में ही रहने लगे जी। वो जो पहले के संक्रमण का डर और दूसरा डर और अनिश्चितता, अनजान परिस्थिति की स्थिति थी वो छठी, जैसे हम घर में रहने लगे तो ये बात नहीं आई कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। घर में भी है तो आप रिकवर कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें कमी एक केवल ये थी कि लेट जो पेशेंट पहुंच रहे थे उससे हमको तब भी बचना चाहिए था और आज भी बचना है। ऑक्सीजन लेवल आपका जैसे ही कम हो रहा है तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंच जाना चाहिए। 94 के नीचे जैसे O2 लेवल आपके आए और आपको अस्पताल पहुंच जाना चाहिए जी, जी, जी। तो ये सारी कोई बातें हैं जी। पहले से इसमें मुझे संकोच नहीं है कहने में जी। मैं ज्यादा ऐसे मैं आदि भी नहीं हूँ कुछ बोलने के लिए, लेकिन मुझे दिख रहा है कि पहले से स्थितियां बेहतर हैं और वो काफी साबित हो यही हम लोग की उम्मीद है। अभी मतलब ये छत्तीसगढ़ में कुछ कोरोना के मामले अभी कुछ दिनों में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, इस पर भी कोई नजर है या आकलन है? आकलन दैनिक है, डेली हम लोग इसकी समीक्षा करते हैं।
कभी हमको 37 केस आते हैं, कभी 22 केस आते हैं, कभी 27 केस आते हैं, कभी 40 केस आते हैं जी। इसका पॉजिटिविटी रेशियो है, इसको हम डेली फॉलो करते हैं जी, जी। और ये औसत अभी बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है जी। आज के जैसे है तो 0.12 आया है जी, 0.12, उसके पहले 0.15 भी था, पिछले हफ्ते का औसत 0.15 था, उसके पहले हफ्ते में 0.17 भी रहा, 0.11 भी रहा। तो एक से नीचे जब तक आप हैं तब तक चिंता की बात बहुत कम रहती है, लेकिन एक आपने पहुंचा तो बिल्कुल ये हरी मतलब लाल बत्ती जलना चालू हो गई। 3% अगर आप पॉजिटिव पहुंच गए 3% तो खतरे की घंटी बच गई। 5% अगर आप पॉजिटिविटी आपका पहुंच गया तो लॉकडाउन की चिंता सोचना चालू कर दीजिए। और 10-15% अगर पॉजिटिविटी पहुंच गया तो लॉकडाउन लगाने में देर नहीं करनी चाहिए। 15% पॉजिटिविटी के बाद लेट होने लगता है जी, जी। तो ये पैमाने हम लोगों ने बना रखे हैं जो लचीले रहते हैं, लेकिन आज के दिन पिछले 2 महीने से अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी रेट हमारा 0.2 से ही नीचे। लोगों में एक सामान्य जिज्ञासा ये है कि क्या हम फिर पाबंदियों की तरफ तो नहीं जाना पड़ेगा, एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति तो नहीं आएगी? लॉकडाउन जैसी स्थिति हर नागरिक अखबार जैसे पढ़ते हैं, आपके चैनल को देखते हैं, डेली रिपोर्ट आप लोग भी प्रकाशित करते हैं, तो नागरिक देखें कि पॉजिटिविटी हमारी कितनी है। अभी तो 1% से नीचे है, 100 में 1 व्यक्ति भी औसत पर पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, लॉकडाउन का तो सोचिए ही मत। जी जी जी। 1% से ऊपर जिस दिन जाएंगे, डेली प्रकाशित होगा अखबार में जी, आपके चैनल में न्यूज चैनल में डेली प्रकाशित होता है जी, तो जैसे ही 1 के ऊपर जाए तो लाल बत्ती खतरे वाली जलना चालू हो गई। 3% खतरा आ गया, 5% लॉकडाउन के लिए सोचना चालू कर दीजिए। 10-15% में अगर सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया तो सरकार ढिलाई कर रही है जी, मतलब उसमें फिर फैलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये कोई भी नागरिक इसको पढ़ के जान के समझ के स्वयं ये कह सकते हैं कि भाई सरकार कैसा काम कर रही है जी, जी। लॉकडाउन उसके पहले करने की आवश्यकता नहीं आएगी, नहीं पड़ेगी जी, जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सीडीओ साहब, आपने उन तमाम सवालों के जवाब सामने रखे हैं जो आम लोगों की जिज्ञासा है। हम उम्मीद करेंगे कि शायद लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रुद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।